आपका स्वागत है सर आपका। अभी तक जो आप शो कर रहे हैं उसमें कुछ एक ऐसा बेस्ट मोमेंट फैन मोमेंट जो आपको याद फैन मोमेंट तो हज़ारों हैं। मुझे लोग कस्में दे देते हैं कि आपको आपकी मम्मी की कसम है आपने अगर मुझे रिप्लाई नहीं किया तो आपको ना मेरा हाँ सबसे बड़ा तो ये था कि मुझे भी मैसेज आया था कि मेरा कल एग्ज़ाम है और आपने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं पढ़ूंगी नहीं और मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं डर जाता हूँ ऐसी चीज़ें लोग लिखते हैं तो। और मैं इतना बिज़ी रह रहा हूँ आजकल मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करने के लिए। कल ही कोई मैसेज आया हुआ था कि मैं अपनी यहाँ से पैकअप हुआ मैं घर जा रहा था रास्ते में देखा मैंने मैसेज आया हुआ था कि सर आपके जब दूसरे बाल थे ना जब आप चोटी रखते थे तब तब कभी कभी जवाब भी दे देते थे अब आपके बाल खुले हैं ना तब से आपने एक दिन जवाब नहीं दिया। मैं इतना हंसा पड़ गया मैंने उसको जवाब दिया मैंने बोला भाई बालों से क्या लेना देना है मैं बिज़ी रहता हूँ इसलिए नहीं दे पाता हूँ। तो ऐसे ऐसे फ़नी चीज़ें होती रहती हैं पढ़ने के लिए मिलती रहती हैं। जब कभी आपको ऐसा लगता है एक फैन मूवमेंट के हिसाब से कि हाँ एक सिमिलर और एक मतलब कैरेक्टर या आर्टिस्ट होने में कितनी डिफिकल्टीज है आपकी एक 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 चीज़ पे फैंस की नज़र रहती है बाल हो गए जैसे आपने भी बताया बाल हो गया पहनावा हो गया तो क्या फील करते हैं आप? नहीं देखो मुसीबतें कुछ नहीं रहती आपको हैंडल करना आना चाहिए आप इसी चीज़ के लिए आप काम करते हैं अपने फैंस के लिए काम करते हैं आप अपने लिए काम करते हैं तो टचूड ऐसे कोई मुसीबत तो नहीं आई है। लेकिन यस कुछ ज़्यादा मैसेजेस आते हैं फ़ोन आते हैं या कहीं से नंबर कहीं से पता नहीं कैसे पता चल जाते तो कहीं से फ़ोन आने लग जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप अपने फ़ोन को साइलेंट रख सकते हैं कि आप अपना काम अच्छे से कर पाएं। लेकिन मैं कभी इग्नोर नहीं करता अपने फैंस को चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सोशल प्लेटफॉर्म पे हो कहीं मैं ट्राई करता हूँ कि उनके टच में रहूँ चाहे वो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो तो मुझे ऐसे कभी बुरा नहीं लगता ना मैं कभी परेशान होता इन चीज़ों से। अभी जो ट्रैक में चल रहा है आपकी और मीरा के लेके तो फैंस काफ़ी नाराज हैं मतलब आप तो देखते ही रहेंगे कमेंट एक से एक हाँ। आते रहते हैं कि दोनों जन एक हो जाए तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अपकमिंग ट्रैक है? देखिए ये जो नाराज़गी है ना वो भी हमने ही जताई है कि हमने ही सीन ऐसे बनाए हैं कि लोग नाराज़ हो जाएं और जब प्यार की बात आएगी तो हम ही ऐसा सीन बनाएंगे आप सबको प्यार हो जाएगा। जाते जाते पार्थ अपने फैंस को क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि आपको निराश कभी नहीं होने देंगे मीरा और पार्थ ज़रूर एक हो जाएंगे हो रहे हैं आपने धीरे धीरे देखा कि पार्थ भी मीरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एंड जिस दिन पीएल का पर्दा फाश होगा उस दिन सब कुछ साफ साफ होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।